देखो जी, मैं मेरा शुरू तो ही सीगा कि मैं अपने घर के बाहर या गमलों में छोटे छोटे पौधे लाना सीगा ते उन्हें परवरिश करता सीगा। कोई जिहड़ा साल फल सब्जी कोई खराब हो गई या कोई छिलका छलका वगैरह सारिया जड़ियाँ हो गई उन्होंने इकट्ठिया करके वो एक बाल्टी पाई दी है। वो बाल्टी पाई महीने डेढ़ महीने बाद पहला थोड़ी मिट्टी पा दी है, वो मिट्टी पा दी गल जाता सब कुछ, वो गल जाता वेस्ट जोड़ा है वो खाद बन जाती है इन्हों की, मैंने बाहरों खाद लिया की जरूरत ही नहीं पैंती। अंदर भी लगे ने, बाहर भी लगे ने, मैं अंदर वेखो ये अंदर भी लगे ने, मैं उसे तारा ला के इन्हू बाहर चढ़ा दिता उस कि यह हूँ जिन्ना वधेगा उन्ने ज़्यादा अंगूर लगेगा इन्हों। इन्हों मैं सांभ संभाल इन्होंने करता तो यह अंब देखो एक हिसाब के लगे ने अच्छे अंब चार चार पाँच पाँच का गुच्छा भी लगता है। साड़ी धरती आ ये सानू माँ आ असली माँ यदी जिस तरह सानू अं जय माता दी बोलते हैं मैं तो समझना भी धरती माता दी जय बोलनी चाहिए आ जिद सारा कुछ समाया। कि प्यार करते हो पौद्या? बहुत ज़्यादा, मैं किसी हाथी लगा पौद्या। देश दे विच पर्यावरण एक सब तो वड्डी समस्या बन के सामने आ रही है, तो अगर पंजाब सूबे की गल की जाए तो इस बार राज्यसभा के जिहड़े मैंबर बनाए गए ने तो भी पर्यावरण के नाल रिलेटिड ने। जी हाँ, असीं गल कर गए बलबीर सिंह सीचेवाल होना दी, लेकिन अज असीं तुहानूं एक ऐसे शख्सियत नाल मिलाण जा रहे हाँ कि जिन्हां ने अपने घरां दे विच ग्रीन बैल्ट बनाई है, तो छोटी जी क्यारी दे विच बहुत कुछ बनाया है, तो तस्वीरां तुहानूं सांझियां कर रहे हाँ। असीं अमृतसर के राणी का बाग इलाके दीआं ने जिथे कि एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर की जिहड़ी छोटी जी, मैं फिर कह रहा कि छोटी जी ग्रीन बैल्ट हुंदी है, उत्थे अंगूर भी लगाए ने, अंब भी लगाए ने, बैंगन भी लगाए ने, तो उस दे नाल नाल होर भी जिहड़ी रोज़मर्रा की जिंदगी चीज़ा इस्तेमाल हुंदियां वह भी लगाइया ने। इस तो इलावा उन्हां वल्लों प्रयास किया जा रहा है कि वह लोगों नूं मुफ्त दे विच बूटे वंडदे ने, तो तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं, तुसीं वेख सकदे हो कि अंब ने तो एक ही छोटी जी क्यारी च ने। अक्सर असीं कहिंदे आ कि साढ़े कोल वड्डे वड्डे बाग होने चाहिए ने, साढ़े कोल बहुत सारी जगह होनी चाहिए जिथे कि आपां गार्डनिंग कर सकीए, तो उत्थे जिहड़ा है असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल छोटी जी घर दे विच घर दे बाहर दी जिहड़ी जगह हुंदी है जिहड़ी कि अक्सर लोग अपनी पार्किंग वास्ते यूज करते हैं, लेकिन अमृतसर के सुरेंद्र सिंह हना वालों एक नवेकला प्रयास किया गया। तो असं सुरेंद्र सिंह हना नाल गलबात करांगे। सुरेंद्र सिंह जी, किवें मन च आया? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि जगह पर असीं पार्किंग कर लीए या कोई कब्जा कर लीए, पर्यावरण वाल कोई ध्यान नहीं दिंदा, तुहाडे दिमाग च किवें गलबात आई? देखो जी, मैं मेरा शुरू तो ही सीगा कि मैं अपने घर के बाहर या गमलों में छोटे छोटे पौधे लाना सीगा तो उन्हें परवरिश करता सीगा, पानी देईदा सीगा थोड़ा, मगर देखो यार मैं छोटे गमले लाए ने, इन्हां दे विच भी मैं बोतलां लाइया ने कि पानी जिहड़ा घट्टो घट्ट इन्हां नूं मिले और सूरज की रोशनी के नाल इन्हां नूं घट्टो घट्ट ज्यादा तो ज़्यादा इन्हां नूं ताकत मिले। पानी की भी मैं बचत करता, पानी आरओ लगा, आरओ का जिहड़ा पानी वेस्ट हुंदा उहदे वास्ते बाल्टी लाई हुई है इक, वो जिहड़ा आरओ का पानी आ वेस्ट जिहड़ा वो उन्हां नूं मैं गमले नूं पा दिंदा, इसे मैं पानी की बचत करता। होर छोटे छोटे पौधे जड़े ने हूँ मैं वेस्ट जरा किचन वेस्ट जरा सारा वो मैं एक बाल्टी इकट्ठा करी जाना पाया। अच्छा जी, हाँ किचन वेस्ट की कुछ इकट्ठा करते? कोई जो साल फल सब्जी कोई खराब हो गई या कोई छिलका छलका वगैरह सारिया जड़ियाँ हो गई उन्होंने इकट्ठिया करके वो एक बाल्टी पाई जाती है। वो बाल्टी पाई महीने डेढ़ महीने बाद पहला थोड़ी मिट्टी पा दी है, वो मिट्टी पा दी गल जाता सब कुछ, वो गल जाता वेस्ट जोड़ा है वह खाद बन जाती है इन्हों की, मैंने बाहरों खाद लिया की जरूरत ही नहीं पैंती। हाँ जी जी, तो असं दसांगे की कुछ लगाया तुसी स्टार्ट जरा करदा सी करन लगे बूहे तो, तां तुसी वेख सकदे हो कि रोज़ सवेरे उठ के इन्हां पौद्यां की सांभ संभाल भी करदे ने। ते सर ए की है जी? ए देखो ये अंगूर हैगा, ए अंगूर दा वेल आ, इक्को ही गा, एक तकरीबन डेढ़ साल की यह हैगी आ वेल, ते इहनूं देखो किन्ने फुल लगे हुए हैं, अंगूर लगा हुआ अंदर भी लगे ने, बाहर भी लगे ने, मैं अंदर वेखो ये अंदर भी लगे ने, मैं उत्थे तारा ला के इहनूं बाहर चढ़ा दिता उस कि यह हूँ जिन्ना वधेगा उन्ने ज़्यादा अंगूर लगेगा इन्हों। पानी थोड़ा घेरी का ये वास्ते मैं ड्रिपिंग सिस्टम जो लाया हुआ बोतल लाई हुई हैं, वोद नाल मैं पानी भी घट देना इन्हों, तो फल भी जाने मैं ज़्यादा लेना इन्हों। अंब का बूटा जी? अंब का? हाँ जी, ये अमृतपाली बूटा जी। हाँ जी, ये देखो तकरीबन छे साल का बूटा है, कि साल कि देर का? छे साल का बूटा है। ये देखो
सेवा करती है, कुछ ज़्यादा कोई सेवा नहीं हैगी, सिर्फ खाद पाई दी है। तो इन्हों मैं सांभ संभाल इन्हें करता, तो अंब देखो एक हिसाब से रहा लगे ने इतने अंब, चार चार पाँच पाँच का गुच्छा भी लगता है, ऐलक थोड़े घट लगे ने, नेरी नूरी आई है ज़्यादा, उन्हें तोड़ चढ़ दिते ने, अदरवाइज इन अंब बहुत लगता है। तो इस तुम अलावा होर कुछ लगाया जी? नींबू भी ऐलका चढ़ गया ज़्यादा गर्मी करके, हाँ जी नींबू का बूटा है, अमरूद है, अमरूद है, अमरूद हाँ जी अमरूद है। देखो छोटे 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 जे बूटे ने, चार पाँच साल का बूटा है भी, इनू अमरूद देखो कि किस तरह लगे हुए हैं, सारे गुच्छे तो गुच्छे अमरूद लगते ने इना दिखा रहे हैं। अमरूद इस वे जो है घर च लगा तो फ्रूट से ज्यादातर लगाए थे, हाँ जी। और कौन कौन से बूटे जो इतने कागजी नहीं मेरे पता होने का, मैं नर्सरी तो लिया बूटा बदम का, और मैं लाया और साल के बाद फल देना शुरू करता, कलमी है प्यों हुई है कलमी बूटा है, बूटा हर फुल हर फल पैदा हो सकता। देखो बदम अं कभी सोचे नहीं गा भी साडे गर्म इलाके च हो जाए, आम अं सोचते हैं भी ठंडे इलाके का फल है, सेब बदम पर सेब तो बदम भी इतने पंजाब हो सकते हैं जे असी ध्यान दईए, फार्मिंग प्रोपर ढंग करिए, इतने दुनिया का हर फल हर फुल हर तरह का अनाज पैदा हो सकता। तो सर पर कारण की असी पर्यावरण ध्यान नहीं देंगे? असी कुदरत जी नेचर ऑफ लॉ है ना, जो असली एक इंसान का धर्म आ, वो तो अं दिन ब दिन दूर जा रहे हैं। जिस तरह गुरु नानक पातशाह ने कहा, पौन गुरु पानी पिता माता धरत महत्, असी पानी नू बड़ी बुरी तरह वेस्ट कर रहे हैं। वेखो आर ओ का पानी है ना इंसान के पीने वास्ते वधिया, पर जिहड़ा दा आर ओ का वेस्ट आ उहदे विच सारे मिनरल्स आ, पौद्यां वास्ते वो बहुत वधिया, उहदे सारे मिनरल्स सारे उहदे विच रहिंदे आ। तो इस तरह ही आ साडी धरती आ, ये सानू माँ आ असली माँ, इहदी जिस तरह सानू अं जय माता दी बोलते हाँ, मैं तो समझना भी धरती माता दी जय बोलनी चाहिए आ, जिहदे विच सारा कुछ समाया, इस धरती ते सारा कुछ पैदा होया, बड़े बड़े पीर पैगंबर योधे गुरु पीर फुल पौधे इंसानियत जिहड़ी जीवनधारा इहदे नाल जुड़ी आ, धरती सब तो वड्डी माता। तो इहदे विच हर तरह का जीव वास्ते पशुआं वास्ते पंछियों वास्ते अनाज भोजन परमात्मा ने रखा। पर आपां ते अग भी लाई जांदे हां, अग लाई जांदे, वेखो असीं हुण छबीलां लाउण डे आ ना जी, गुरु पातशाह का पुरब आ, एक बने ठंडे जल दियां छबीलां लाउण डे आ, एक बने अगां ला ला के पौधे सड़ी जाण डे आ, जदकि चीज़ां का ख्याल रखना चाहिए सानू, इहदा होर बदल लभना चाहिए। वे एक चो होर प्रॉब्लम आ जिहड़ियां साडियां सरकारां ने ना पंजाब च खास करके, ये की करदिया बहाना ला के इन्हें भी तारा का सर्कट शार्ट हो जूगा तो कणक नू अग लग जू, जां कणक दे नाड़ नू अग लग जू, उदों बत्ती ये बिल्कुल बंद कर देंदे आ, वो बिजली पिंडां च बंद होने करके ट्यूबवैल नहीं चलते, जे पिंडां च ट्यूबवैल चलन तो खेत का चारों तरफ अठ अठ दस दस फुट एरिए पानी लगाया जा सकता, जदों अठ दस फुट च पानी लगा हो ना खेत के चारों तरफ, तो फिर अग जी बाहरले पौद्या का नुकसान नहीं करूगी। तो सर इतने ये कि बूटे लगे हैं जो गुलाब लगे जी, ये बोला जी गुलाब है, हाँ जी ए तीन चार गुलाब लैती नहीं सारे है, वह पीले वाला है, वह गुलाबी वाला है, यह लाल वाला है। तो ये बूट बॉटल्स क्यों जी रखी? ये बोतल रखी जाएंगे इन्होंने पानी देने वास्ते, कि पानी की वेस्टेज ना हो, बोतल से पानी पाई जाए पाई दा, तो वह फिर हौली हौली ड्रिपिंग जिन्होंने कहते हैं ना ड्रिपिंग सिस्टम जरा, ड्रिपिंग पानी थोड़ा 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 चलता आपे ज जिन्ना इन जरूरत हैगी है, तुपका सिंचाई जिन्होंने कहते हैं तुपका सिंचाई उन्हें जाता रहेगा, तो जो बोतल का पानी खत्म हो जाता है उदो फिर मैं दोबारा होर पानी भर देना, वो इन्हें पानी की वेस्टेज भी नहीं होंगी। आस पास के घर की भी कर रहे हो जी? मैं मेरे गुआढ़ी ने इतने मैं बूटे लाए ने, फलदार बूटे भी फुलदार बूटे भी लाए ने, कान वाले बताऊ आयरा वगैरह बताऊ लाए ने, मिर्चा लाइया ने, गुलाब के बूटे भी लाए हैं उन्होंने मैं लाए। खाद की सारी घर की वेस्ट तो तैयार कर दी? हाँ वेस्ट कर दिया, जे घट जाती है फिर मैं बारह अपने पिंड मंगा ली थोड़ी बोरी पा दी है, तो वो सब कुछ चल जाता मेरा। कि प्यार कर दौद्या? बहुत ज़्यादा, मैं किसी हाथ ही लगा अपने पौद्या नहीं, किसी हाथ लगा ना कोई आता ही, फिर मैं नहीं कर देता, किसी टाइम नहीं कर देता, रूटीन रखी मैं रूटीन थोड़ा पार्क चाहिए थोड़ी सैर करी दी है, तो सवेरे शाम मैं अपने पार्क ध्यान। अगर कोई बंदा बूटे मंगे तो उन्होंने दे भी देंगे? जो मैं बनावगा मेरे को होएगा तो मैं जरूर देंगा। अच्छा हाँ जी मैं बना लेना दो चार
पांचवें सीजन बना लेना, क्योंकि एक तो होना जुलाई अगस्त बूटे बनते ने वो मैं प्योंद कर लेना, प्योंद करके लोगों में दे देना। एक मैं हो छोटा जिहा मैं किया प्योंद करके मैं लाया नींबू का बूटा थले, देखो तो यह बूटे के थले बूटा चल जाता जी, छंगाई कर अगस्त ना इन्हों की मैं छंगाई कर जाएगा। यह बूटा छोटा नींबू का बूटा है तो मैं तैयार किया जी, तैयार किया तैयार करके मैं लाया। तो यह भी अंगूर ने जी? नहीं, यह है कड़ी पत्ता, यह कड़ी पत्ता जो सब्जी सुब्जी बनानी होंगी मसाले तौर पर राधी राणी के कलमा लाइया ने थले बिच, वो भी हुण पुंगर पैणगी जो बरसात है कि जो चलनगियां। हाँ, तुहानू एक अज चंगी तस्वीर सांझी कीती है कि जिथे पर्यावरण दीआं बहुत सारीआं गल्लां हो रहीआं ने, उत्थे तुसीं देख सकदे हो कि खूबसूरत अंब लगे ने, तां उत्थे अंगूर भी लगे ने। तां पंजाब दी धरती एक ऐसी धरती है जिहड़ी कि उपजाऊ धरती है, जिथे कि मन्निआ जा रिहा है कि सब कुछ उग सकदा है, ते जिथे कि बादाम जिहड़े ने उह वी लगाए गए ने। इस तों इलावा अंगूर ते उसदे नाल नाल जिहड़ा है विशेष तौर ते अंब लगाए गए ने, तां उहनां दा कहिणा कि उह धरती दे विच जिहड़ा धरती दा लैवल खराब हो रहा उसनूं बचा रहे ने, ते उसदे पौधे बना के भी उह लोकां नूं दे रहे ने। तां फिलहाल चंगा उपराला है, पर्यावरण दे नाल जुड़न दी गल्लां बहुत सारी कीतियां जा रहीआं। असीं गुरू नानक साहब दे फलसफे नूं सुणदे जरूर हाँ असीं, पर उसनूं मनदे नहीं हाँ, असीं उहदी तारीफ जरूर करदे हाँ, तां पर सच्चाई जमीनी पद्धर से इस तरह के लोग अगर सामने आएंगे तो पंजाब की हरियावल दोबारा वापस आ सकती है। सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।